देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज, आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना पुलिस और साइबर टीम ने 5 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो भोले भाले लोगों से उनके कागजातों के जरिए फर्जी बैंक खाता खुलवाया करते थे, जिन बैंक खातों में वह अवैध रूप से लोगों से ठगी कर पैसा मंगाया करते थे। पुलिस के अनुसार अब तक यह सब लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस को इन 5 आरोपियों के पास से 7 मोहरे, 10 मोबाइल फोन, 1 टैब, 41 ATM, 5 चेकबुक, 4 वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और घटना में प्रयुक्त एक होंडा सिटी कार बरामद हुई। टीम द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर विभिन्न राज्यों के जिलों में खातों में अवैध तरीके से रुपए निकालकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ग्रोह को आपने पकड़ा है, किस तरीके से आप इन गिरोह तक पहुंचे? आज दिनांक 4 मई 2024 को थाना कौशाम्बी के साइबर टीम को मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली, जिसमें 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनकी तरफ से कई फर्जी मोहर, 10 मोबाइल फ़ोन, 1 टैब, 41 बैंकों के ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 5 चेकबुक, फर्जी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये इनसे बरामद किए गए। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये सोशल मीडिया के बहाने लोगों को प्रलोभन देते थे कि आप इन्वेस्ट कीजिए, इसका आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में कुछ स्टेप्स में ये उनको रिटर्न भी देते थे और बाद में बड़ी अमाउंट जब उनसे लेते थे तो इनको रिप्लाई देके देते नहीं थे और ग्रुप बंद करके गायब हो जाते थे। इसी तरह से ये लोगों से ठगी करते थे। ये टोटल 5 अभियुक्त है जिनके नाम आकाश, मनोज, अमरेश, नीतीश और नमन जैन हैं। ये इनके द्वारा जितने भी लोगों को फंसाया गया है इसका कुल अमाउंट लाखों करोड़ों में हो रहा है, जिसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। सर, इस फर्जीवाड़े में किसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा है कि कुछ? जैसे थानों में साइबर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है लेकिन इनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसी विवेचनाओं में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था जिसमें हमारे जो मुखबिर लगे हुए थे उसी मुखबिर ने सूचना दी और उसी के आधार पर इनको पकड़ा गया है। सर, जैसे कंपनी बताया आपने कि फर्जी कंपनियां बनाते थे, तो इसके कार्यालय भी यहाँ खोले गए थे कि गाजियाबाद में, नोएडा में आसपास कितने कार्यालय बनाए गए हैं और वो जो जमीन इनको मिलते हैं, ऑफिस मिलते हैं, तो किस आधार पर ये ऑफिस मिल जाते हैं? ये जो भी ऑफिस बनाते थे वो एक कोई भी फ्लैट या जगह रेंट पे लेके वहाँ पे ऑफिस बनाते थे, उसका रजिस्ट्रेशन करते थे और जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद 10-15 दिन के लिए वहाँ पे ये फर्जीवाड़े का काम करते थे और जैसे ही इनका जो अमाउंट होता था इनके बैंक में जमा हो जाता था तो ये ऑफिस बंद करके और ग्रुप बंद करके वहाँ से लापता हो जाते थे। कितने समय से काम कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं? ये इसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है लेकिन इनका जो इनके पास से जो बरामद हुए हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स और ATM कार्ड्स और पासबुक्स, इससे ये पता चल रहा है कि इनके द्वारा सैकड़ों लोगों को फंसाया गया है और ये बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा बैंक के ट्रांजैक्शंस इनके अकाउंट में हो रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि ये काफ़ी बड़े स्तर पे इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अब तक कितने लोगों से धोखाधड़ी कर चुके हैं और कितना अमाउंट इकट्ठा किया और अमाउंट का ये ऐसा काम किस लिए कर रहे थे, पैसे की इन्हें किस लिए आवश्यकता थी? देखिए, जितना अभी हमारी विवेचना हुई है, जितना पूछताछ में इन्होंने बताया है, इसमें अभी 4-5 अकाउंट्स के बारे में हमने चेक किया है, इसमें करीब 20-25 लोगों द्वारा इनको फंसाया गया है और बाकी अभी इनके बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो अभी हमने ट्रेस नहीं किए हैं, जिसमें और भी लोगों को इन्होंने फंसाया होगा, वो अभी विवेचना में सामने आ जाएगा। सर, सामान्य जीवन में भी कुछ और काम कर रहे थे कि इनका मूल रूप से यही काम है? इनका यही काम था, ये एक ऑफिस 15 दिन के लिए ऑपरेट करते थे, फिर वो ऑफिस शिफ्ट करके नई जगह पे फर्जी कंपनी डाल के यही इनका काम था। सर, आपराधिक इतिहास भी कोई इनका रहा है? इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। इनका प्रोफाइल क्या है सर? ये इनके प्रोफाइल के बारे में जानकारी की। सर, लगातार साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उस पर क्या संदेश देना चाहिए? साइबर क्राइम के लिए जो भी साइबर अवेयरनेस के मैसेजेस आते हैं या जो भी आपको सोशल मीडिया या पुलिस या प्रशासन द्वारा हमेशा बताया जाता है कि साइबर के लिए अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी होती है, तो कोई भी आप जो आपको प्रलोभन आता है कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद इतना आपको रिटर्न मिलेगा,
इसमें आपको विश्वास तुरंत नहीं करना चाहिए, उसको वेरीफाई करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।